सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु व बनराकी मूवमेंट के प्रनेता पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने सोनभद्र जिले में दो दिन प्रवास के दौरान वहां के बागेसोती स्थित पुलिस चौकी प्रांगण और दुबतिया के मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने उस परिसर में कपूर, रुद्राज, सिंदूर के पौधे और कोन, बागेसोती, लौक व खाड़ी, कचनारवा और दुबतिया के ग्रामीणों के बीच पर्यावरण धर्म के प्रार्थना के साथ फलदार पौधों को वितरण कर उपस्थित लोगों को पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्रों को अपने जीवन में अपनाने की अपील की। पर्यावरण धर्म गुरु कौशल ने पुलिस चौकी प्रांगण में पौधा लगाते हुए कहा कि इस देश के नौजवानों और शहीदों की मदद से मानव जैसी शत्रु से एक आज़ादी मिली है, परंतु प्रदूषण नामक शत्रु से आज़ादी के लिए दूसरी लड़ाई लड़ना अभी बाकी। यह लड़ाई गोली और बारूद से नहीं बल्कि पौधे जैसे मिसाइल को धरती में लगाकर हम उस प्रदूषण रूपी दुश्मन पर विजय पा सकते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन की सिलेंडर के समान होते हैं। बनराखी मूवमेंट के प्रनेता कौशल ने दुबतिया के स्वर्गीय बच्चन जायसवाल की धर्मपत्नी श्यामा देवी के देहावसान पर उनकी स्मृति में थाईलैंड प्रजाति के पौधे लगाते हुए उनके पुत्र अजय जायसवाल, संजय जायसवाल, विजय जायसवाल व कृष्णकांत जायसवाल समेत अन्य परिजनों को कहा कि अगर आपके सर से आपकी माता पिता का साया हट जाता है तो उनकी स्मृति में पौधा लगाकर उसके छाया से आप और आने वाले पीढ़ी को भी स्वच्छ एवं सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र को सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, उसी प्रकार एक वृक्ष 10 तरह से ब्रह्मांड के 84 लाख योनि जीवों की सुरक्षा करती है। मौके पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल, चौकी प्रभारी उमेश यादव, भास्कर यादव, संतोष सिंह ने अपने संबोधन में पर्यावरणविद के कार्यों की सराहना करते हुए पुनः आने का न्योता दिया। कार्यक्रम में खुशदिल प्रसाद, प्यारे लाल, संपूर्णानंद, सुरेश प्रसाद, धीरज पांडे, दिलीप जायसवाल, हेमंत जायसवाल, मिश्री जायसवाल, पियर रंजन जायसवाल, केदार जायसवाल, धीरू जायसवाल, सूरज प्रसाद, हरिनाथ प्रसाद, रामदेव प्रसाद, शंभू प्रसाद, जितेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, बसंत जायसवाल, सत्येंद्र प्रसाद, गौरी शंकर, दिनेश प्रसाद एवं सचिन जायसवाल समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पर्यावरण धर्म को सार्थक मानते हुए अपने जीवन में उतारने का सैकड़ों लोगों ने इस दौरान संकल्प भी लिया। क्योंकि बागेश्वरी में आज प्रांगण में हम लोग कपूर का, हिमाचल का कपूर का पौधा लगा करके धरती माता से मुक्त करते हैं। हे प्रभु, आपको हम लोग जल चढ़ाएंगे, शिव के समान भोले बाबा पर जल चढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग जल चढ़ाते हैं शिव जी पर। आप हमको जल चढ़ाएंगे, उतने बदला में हमको ऑक्सीजन देंगे, जिससे धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख जोनी की सुरक्षा होता है। इतना ही नहीं, हम लोग देश के शहीदों के नौजवानों की मदद से पूरा देश तो आजाद तो हुआ है, एक आजादी मिला है मानव रूपी शत्रु से, लेकिन दूसरी आजादी प्रदूषण नामक शत्रु से भी जितना बाकी है, उस प्रदूषण नामक शत्रु के से आजादी से जीतने के लिए हमको कोई तोप और मिसाइल की जरूरत नहीं है। पौधा रूपी मिसाइल को हम लोग धरती माँ को लगा करके हम प्रदूषण नामक शत्रु पर काबू। मेरा मानना है कि वन है तबे हम है, वन नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। सृष्टि को नाश होने से बचाना है तो पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र को सभी को अपनाना होगा। पर्यावरण धर्म के 8 मूल ज्ञान मंत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, कोई भी शुभ कार्य पर, कथा पूजा में, गृह पर, श्राद्ध में एक पौधा लगा कर अपने बच्चे की तरह बचाए। दूसरा, जन कोई भी लाचार है, बीमार है, अगर ग्रसित है तो उसकी सेवा कर दें, एक्सीडेंट दुर्घटना में उसकी मदद। तीसरा, जल, जंगल, जमीन, जानवर, पक्षी और प्रकृति को बचाने का उद्देश्य है।